नमस्कार मेरे डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों मैं रणवीर सिंह हूं, देखिए फिर मैं आ गया हूं फिर एक अपडेट लेकर। देखिए अपडेट है राजस्थान से और इस पूरे वीडियो के अंदर देखिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है कि देखिए यहां पर वैकेंसी आपकी आ चुकी है 2020 पदों पर। यहां पर देखिए वैकेंसी आने की संभावना है और देखिए ये 9 साल से अटक रही थी फार्मासिस्ट की भर्ती, क्योंकि देखिए मई मतलब अब अप्रैल चल रहा है और अगले महीने इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने समय के अभाव में इस भर्ती को नहीं कराने का अपना ऐलान किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर MNIT के माध्यम से ये परीक्षा होगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा ताकि आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भाई चैनल पर पहली बार है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट आप तक मिल सके या कोई भी विश्लेषण हो वो भी आप तक पहुंच सके। देखिए 5 बार तिथियां बदल दी गई हैं और देखिए ये भर्ती निरस्त कर दी गई थी। अब देखिए 2013 में ये 1209 पदों के लिए आई थी, ठीक है। उसके बाद 13 अगस्त 2018 में 1736 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनुभव संशोधन और संशोधित विज्ञप्ति के बीच 5 बार परीक्षा तिथियां बदली गई लेकिन परीक्षा हुई नहीं। 13 नवंबर 2020 को बिना परीक्षा के ही ये भर्ती निरस्त कर दी गई थी। अब देखिए इस साल फार्मासिस्ट की भर्ती शैक्षणिक एवं बोनस अंकों के आधार पर करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखिए मार्च में कर्मचारी चयन बोर्ड को ये अभ्यर्थना भेजी गई थी लेकिन समय के अभाव के कारण उसने इसको निरस्त कर दिया। अब ये भर्ती कराने की जिम्मेदारी MNIT की है, MNIT के माध्यम से भर्ती होगी। अभी अगर हम बात करें तो 18,000 दवा वितरण केंद्र और 13,000 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर फार्मासिस्टों की जरूरत है, क्योंकि वहां पर देखिए अकुशल जिनको कोई अनुभव नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है, वो लोग इन सेंटर्स पर दवाइयां वितरित करने का काम कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो ये भर्ती अब होने जा रही है, मई में ये भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती से संबंधित तो और भी कोई जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। इसका विज्ञापन मई में आ रहा है, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, तो इसकी परीक्षा तिथियां क्या घोषित होंगी या परीक्षा तिथियों को लेकर भी कोई आगे अधिक समय लग सकता है, क्योंकि देखिए एग्जाम कराने के लिए जिस दिन हम एग्जाम कराते हैं उस दिन देखिए कोई दूसरा एग्जाम ना होना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आपस में फंसे रहते हैं। देखिए ये फार्मासिस्ट की भर्ती जो 9 साल से लंबे समय से अटकी हुई थी वो अब होने जा रही है। संदेश जिन तक शेयर करें, फिर आते हैं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।